तो साल था 2021 जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में टेस्ट मैच खेला जा रहा था। ये मैच श्रेयस अय्यर का डेब्यू टेस्ट था जहां उन्होंने पहले शतक और फिर 50 बनाया। जब बैटिंग आई न्यूजीलैंड की तो सामने 283 रनों का बेहद ही मुश्किल टारगेट था जो कि चेज होने का कोई चांस नहीं था। हर किबी फैन सिर्फ ये दुआ कर रहा था कि बस मैच किसी तरह ड्रॉ हो जाए क्योंकि ये ड्रॉ जीत से कहीं बढ़ के होता। लेकिन न्यूजीलैंड की हालत खराब होने लगी। अश्विन जडेजा का जादू बढ़ चढ़कर बोला और देखते ही देखते स्कोर 89.2 ओवर 155 पर 9 विकेट। सारे धुरंधर आउट हो चुके थे। सामने से अश्विन जडेजा विकेट झटक रहे थे। बस अब तो न्यूजीलैंड की हार होनी 100% तय थी। लेकिन 21 साल का वो डेब्यूटेंट लड़का अभी भी न्यूजीलैंड की वो आखिरी उम्मीद बनकर खड़ा था जिसे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन वो 10 ओवर तक डटकर खड़ा रहा। एजाज पटेल के साथ आखिरी विकेट के लिए उसने कमाल की पार्टनरशिप की। वो किसी से आउट नहीं हुआ और हार कर अंपायर्स को भी स्टम्प्स करना पड़ा और ये मैच बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड खत्म हुआ। हमारे लिए ये एंटी क्लाइमैक्स था। वो न्यूजीलैंड के लिए चमत्कार था। जो 8 नंबर पर उतरे उसे 21 साल के लड़के ने करके दिखाया। उस लड़के ने भले ही 18 रन बनाए लेकिन 91 बॉल जो डॉट रहा उसके दम पर ही न्यूजीलैंड को ये मैजिकल ड्रॉ मिला। ये खिलाड़ी कोई और नहीं न्यूजीलैंड के राइजिंग स्टार रचिन रविंद्र थे जिन्होंने अपने डेब्यू पर ही बिल्कुल इम्पॉसिबल काम करके दिखाया था। अब इंडियन पिचेस पर जड्डू और अश्विन की वन प्लेबल जोड़ी जो कि भर भर करके फाइफर लिया करती है उन्हें एक आखिरी विकेट के लिए तरसाना कोई मजाक नहीं है। हाँ अगला मैच जीतने की वजह से हर किसी को ये ड्रॉ उतना याद नहीं रहा लेकिन हर किसी को ये विश्वास जरूर हो गया कि लड़का आने वाले समय में कुछ कमाल जरूर करके दिखाएगा। और देखिए ना अपने डेब्यू के 2 साल बाद ही कल 2023 वर्ल्ड कप में अपने पहले वर्ल्ड कप गेम में जो इंग्लैंड को उन्होंने चारों खाने चित किया जो ताबड़तोड़ पारी उन्होंने खेली है उसने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने की उनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है एकदम फिल्मी। और भारत से भी एक अलग नाता है जो कि हर क्रिकेट फैन जानना चाहता है क्रिकेट को उसका नया सुपरस्टार जो मिला है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के इस राइजिंग स्टार की जो काफी अपना सा लगता है। साथ ही जानेंगे कि जो नाम क्रिकेट के गलियारों में इतना गूंज रहा है उस नाम के पीछे की कहानी क्या है। साथ ही जानेंगे 123 के इनिंग्स के पीछे की अनटोल्ड स्टोरी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 90 के दशक से जब बैंगलोर के रहने वाले कपल रवि कृष्णमूर्ति और दीपा कृष्णमूर्ति ने रुख किया न्यूजीलैंड का और 1999 में उनके घर एक लड़की का जन्म हुआ। अब बेटे का नाम क्या रखा जाए ये बड़ी दुविधा थी। उनकी माँ राहुल द्रविड़ की बहुत बड़ी फैन थी। वहीं पिता रवि जो कि भले ही सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट थे मगर क्रिकेट के बहुत ही बड़े फैन थे और अपने युवा दिनों में बैंगलोर में क्लब क्रिकेटर भी रहे। उनके फेवरेट थे द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। ऐसे में काफी सोच विचार के बाद राहुल और सचिन के नामों को मिलाकर बेटे का नाम रखा गया रचिन। वहीं रविंद्र उनके पिता के नाम से आया। अब जिसके पेरेंट्स इतने डाई हार्ड फैन हो उसे तो विरासत में क्रिकेट मिलना ही था और रचिन को भी छोटी उम्र में ही इस खेल से प्यार हो गया। रोज सुबह जल्दी उठकर उनके पिता उन्हें प्रैक्टिस के लिए नट्स में ले जाते। रचिन एक जबरदस्त नगीना बनकर निकले और जब वे पढ़ाई कर रहे थे तो 9th क्लास में अपने स्कूल वेलिंगटन हट इंटरनेशनल बॉयज स्कूल की टीम का 5 साल तक हिस्सा रहे जहां उन्होंने अपनी काबिलियत का भरपूर डिस्प्ले दिया और 2015 में नेशनल लेवल टूर्नामेंट में उन्होंने 208 रन बनाए साथ ही 6 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। और 2016 में रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के जूनियर लेवल में एक जाना माना नाम बन चुके थे। यहाँ उनका सिलेक्शन अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए हुआ। यहाँ 7 विकेट लेकर वे टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर बने लेकिन बैटिंग में ओपनिंग पर बुरी तरह से फेल हुए। इसके बाद उन्होंने अपनी बैटिंग पर काफी काम किया और जो कमी रह गई थी उसे भी पूरा किया 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में जहाँ 233 रन और 13 विकेट के साथ तगड़ा इंपैक्ट रहा रचिन का। इस वर्ल्ड कप के दौरान बाद उन्हें न्यूजीलैंड बोर्ड ने राइजिंग स्टार घोषित कर दिया और इसी साल वेलिंगटन से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर हुआ। रचिन ने इसी साल घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया और 1 साल के अंदर अंदर फर्स्ट क्लास और लिस्ट क्रिकेट में मेडन सेंचुरी भी जड़ दी। लगातार परफॉर्म करने वाले सरफन वाला खिलाड़ी पर सिलेक्टर्स की खासी दृष्टि थी और 2020 नवंबर में उन्हें वेस्ट इंडीज टूर के लिए न्यूजीलैंड ए टीम में शामिल किया गया जहां पहले मैच में 112 रन जड़ रचिन ने यह साफ कर दिया कि वह उस इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पूरी तरह से पक चुके हैं। और 2021 में वो लम्हा आया जब रचिन का नाम 2021 WTC फाइनल स्क्वाड में भी था लेकिन उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू 3 महीने बाद बांग्लादेश के खिलाफ मिला जहां पहले मैच में गोल्डन डक पर आउट हो गए। वैसे तो उन्हें 5वें T20 में ओपनिंग कराई गई मगर वे बुरी तरह फ्लॉप रहे जिससे एक बात पक्की हो गई कि ओपनिंग के लिए नहीं है। 2 महीने बाद उन्होंने अपनी ओरिजिन कंट्री भारत में ही भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और अपना टेस्ट डेब्यू उन्होंने क्या करिश्मा करके दिखाया ये हम वीडियो की शुरुआत में डिस्कस कर चुके हैं। इन 2 साल में रचिन रविंद्र की रेपुटेशन हूबहू रविंद्र जडेजा की तरह एक बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में सेट हुई जो कि लोअर ऑर्डर में नंबर 7-8 पर बैट से थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन दे दिया करता है और इसी वर्ष 2023 से लेकर हर मैच में उन्हें लोअर ऑर्डर में ही खिलाया गया जहां उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक तेज तर्रार 61 रन की पारी खेली। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के खिलाफ वार्म अप मैच में उन्हें अचानक ही ओपनिंग के लिए भेजा गया जिस पर हर कोई हैरान था लेकिन रविंद्र ने जो वहाँ 135 के स्ट्राइक रेट से 97 रन ठोक दिए उसने उनके बैटिंग टैलेंट को विलियमसन और टीम मैनेजमेंट के आगे बिल्कुल साफ दिखा दिया और इस कॉन्फिडेंस के साथ आए ये इंग्लैंड के खिलाफ 2023 वर्ल्ड कप के पहले मैच में।
आज गेंद से 76 रन देकर वो महंगे साबित हुए, जहां उन्होंने हैरी ब्रुक को आउट किया। भले ही टारगेट 283 का था, मगर जब आपका ओपनर गोल्डन डक पर आउट हो और सिर्फ उस प्रैक्टिस गेम के दम पर आपको आपके कप्तान के नंबर पर भेजा जाए, वो भी आपके वर्ल्ड कप डेब्यू पर, तो प्रेशर की कोई लिमिट नहीं होती है। क्योंकि यहाँ रचिन को ये मालूम था कि विलियमसन के आते ही उन्हें नीचे खिलाया जाएगा या शायद टीम से ड्रॉप भी कर दिया जाए, क्योंकि या तो मिचेल या फिर लैथम ही आते कल 3 नंबर पर। ये एक सरप्राइज था सभी के लिए और टर्निंग पॉइंट रचिन के लिए। इसके बावजूद उन्होंने आते केवल 2-4 गेंदों को ही बड़ी सहजता से खेला। मार्क वुड की 152 की गति हो या आदिल रशीद की कमाल की स्पिन, इन्होंने स्पिन पेस सबको बड़ी आसानी से खेला। पूरे मैच में कहीं ऐसा नहीं लगा ये इनका नंबर नहीं है या ये प्लेयर अपना वर्ल्ड कप डेब्यू कर रहा है। मात्र 82 गेंदों में उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए सबसे तेज वर्ल्ड कप शतक बना डाला। मात्र 96 गेंद, 11 चौके, 5 छक्के जड़ उन्होंने 123 रनों की नाबाद पारी खेल अपना पहला ओडीआई शतक बनाया। एक बार फिर भारत के ही मैदान पर वे वर्ल्ड कप डेब्यू पर 100 बनाने वाले तीसरे सबसे यंग खिलाड़ी बने। वैसे तो रचिन की वो वार्म अप मैच वाली फॉर्म देखकर लगता है ये रन तो बनाते ही, लेकिन न्यूजीलैंड की मैनेजमेंट ने भी नहीं सोचा होगा कितनी बड़ी इनिंग्स आएगी इनके बल्ले से। लेकिन रचिन को पिछले वर्ल्ड कप का बदला तो लेना ही था। दरअसल इसके पीछे भी एक दिलचस्प स्टोरी है। वैसे तो रचिन 2015 से ही न्यूजीलैंड के लिए खेलने को कॉन्फिडेंट थे, लेकिन वो 2019 का फाइनल ही था जिसने साग में चिंगारी भरने का काम किया। वो पूरा मैच रचिन ने बैंगलोर में अपने दोस्तों के साथ देखा था और जो न्यूजीलैंड के साथ हुआ वो इन्हें नागवार गुजरा, और यही से उन्होंने वो प्रतिशोध लेने की ठानी और कल यानी ठीक अगले वर्ल्ड कप में विस्फोट कर ही दिया। रचिन ने अभी तक केवल 3 टेस्ट, 13 ODI और 18 T20 खेले, जिनके कुल 530 रन है, साथ ही 27 विकेट। रचिन की इस पारी ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। साथ ही विलियमसन के आगे सबसे बड़ी समस्या ये आन पड़ी है कि अब वे किसकी जगह टीम में आए, क्योंकि रचिन को खिलाना अब उनकी मजबूरी बन चुकी है। असली ऑलराउंडर इसी को कहते हैं, जो कि तीनों डिपार्टमेंट में तो अच्छा हो ही, साथ ही एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी भी दे जो किसी समय में हमें युवराज सिंह दिया करते थे। फिलहाल तो दुनिया यही नहीं समझ पा रही है कि लड़का बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग। तो 2023 वर्ल्ड कप ने अपना पहला राइजिंग स्टार तो दे ही दिया है। अब नजरें होंगी बाकियों पर, साथ ही उम्मीदें बढ़ी हैं रचिन से। ये हर टीम के लिए खतरे की घंटी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।